प्रकाश दिया हुआ है आपको, आज हम बताएंगे कि उष्मागत की प्रक्रम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। और इसे क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स नेवी में हो गया, टीजीटी पीजीटी में हो गया, हर जगह ये पूछा जाता है। तो आप इनका कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। और इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो मैं आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है, आइए। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागत की प्रक्रम, इसमें कई प्रक्रम होता है। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ये होता है, ये बताया गया कि जब हम किसी सिस्टम को या किसी बॉडी को हीट देते हैं तो क्या करता है, वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है, प्लस कुछ जो बची हुई उष्मा होती है वो इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करने के काम आता है। तो ये उष्मागति का प्रथम नियम है। इसमें पहला प्रक्रम हम डिसाइड करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। बेटा देखो साइक्लिक प्रोसेस जैसा कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस ए से बी, बी से सी आ रहा है, फिर डी से होते हुए ए तक आ जा रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है ये अगर ऐसे आ रहा है आपका, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में कुल मिलाकर के क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें डी यू का मान यहाँ पे जीरो होता है। अच्छा बेटा डी यू अगर हम जीरो रखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये आपको दिखाएगा कि डी क्यू चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट ये स्कल्ट हो जाएगा डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है, अतः उष्मा की मात्रा किए गए कार्य के बराबर होता है। अच्छा इसमें एक चीज और होता है बेटा, जब हम यहाँ पे क्लॉक वाइज चलते हैं घड़ी की दिशा में साइक्लिक प्रोसेस में, तो जब हम ये क्लॉक वाइज चलते हैं तो ये वर्कडन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, माने वर्कडन बाई बॉडी विल बी पॉजिटिव। और इसमें अगर हम एंटी क्लॉक चलते हैं तो यहाँ पे वर्कडन जो होता है वो हमारा एंटी क्लॉक, अगर इसमें हम चलते हैं तो यहाँ पे वर्कडन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये वर्कडन होता क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम किया गया कार्य निकालें डी डब्ल्यू, तो ये होता है एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। मतलब चक्री प्रक्रम में अगर हमें वर्कडन निकालना है, किया गया कार्य निकालना है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल ये हमें वर्कडन को बताता है। अब इसमें बेटा देखो दो तीन चीज होता है, जैसे अगर हम ये लिख दें, ये पीवी के बीच में ग्राफ खींच दें, ठीक है, और यहाँ एक हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं। तो जब इसमें हम इस तरह से चलते हैं क्लॉक वाइज चलते हैं तो यहाँ पे वर्कडन हमारा जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम दूसरा कोई पिक्चर देखें, इसमें अगर मान लिया ट्राइंगल है या इसी फिगर में है, अगर हम इस तरह से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी होते हुए ए तक आते हैं, तो यहाँ पे वर्कडन हमारा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। माने साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे वर्कडन जो सिस्टम के द्वारा होता है वो पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉक चलते हैं तो निगेटिव होता है। और जब आपको वर्कडन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इनका आप एरिया निकाल लीजिए, इस पूरे का एरिया ही आपका वर्कडन को दिखाता है। तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रोसेस पे आ जाते हैं, आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हो गया प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डी यू का मान जीरो होता है, यहाँ पे बेटा प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। और प्रेशर कांस्टेंट किस ला में होता है, चार्ल्स ला में। चार्ल्स ला ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इसका मतलब ये चार्ल्स ला को दिखाता है। ऐसे केसेस में वर्क डन जो हमारा होता है वो होता है पीडीवी, या इसको अगर हम लिखें तो एन आर टी टू माइनस टी वन। तो आइसोबारिक समदाबी स्थिति, नाम है समदाबी, दाब समान, तो समदाबी स्थिति में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये चार्ल्स लॉ को दिखाता है, जहां वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इसमें टोटल वर्क डन ये होता है। अब हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये होता है पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ पे होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है,
और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी बेटा हम जानते हैं 3/2 nRT होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du क्या हो जाएगा, U2 - U1 होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल दी गई ऊष्मा की मात्रा किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें वर्कडन का जो वैल्यू आता है वो होता है nRT log V2/V1, जो कि प्रेशर के टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं nRT log V2/V1 की जगह हम लिख सकते हैं P1/P2। बस ये लॉग ई बेस ई होता है, और अगर इसका हम बेस 10 बना दें तो ये होता है 2.302 RT log 10 V2/V1, या इसी को लिखेंगे 2.302 RT log P1/P2। तो बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, मुझे लगता है आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये बॉयल्स लॉ पे होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे डीयू जीरो कर देंगे। अब आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब सम आयतनिक, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होगा, तो ये किसको दिखाएगा, गेरुसाप्ला को, जिसमें ये दिखाता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, PdV होता है, और इसको हम लिखते हैं PV2 - V1। अब चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन अगर जीरो हो जाएगा तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ऊष्मा की मात्रा dQ ये बराबर होता है, ये जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। तो बेटा इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देख लिया साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, समदाबी, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। अब हम आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। तो बेटा देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है रुद्धोष प्रक्रम। रुद्धोष प्रक्रम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके बॉडी और उसके आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग है, उसके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो dQ का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा बेटा, dQ का मान जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशन में ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जैसे थर्मस फ्लक्स होता है, उसमें चाय अगर रख दीजिए तो गर्म रहता है तो गर्म ही है, ठंडा है तो ठंडा है, क्योंकि आपकी उस बॉडी और सराउंडिंग के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और अगर dQ जीरो होगा यहाँ पे तो ये आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे केसेस में बेटा जो किया गया कार्य होता है वो होता है आपका 1/γ-1 P1V1 - P2V2। तो एडियाबेटिक रुद्धोष प्रक्रम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए dQ का मान जीरो होता है। dQ जीरो होगा, थर्मोडायनामिक फर्स्टिलेशन से ये क्या हो जाएगा, dU - dW के बराबर हो जाएगा। इस प्रोसेस में किया गया कार्य ये होता है। टेम्परेचर के टर्म में अगर हम निकालते हैं तो इसको PV = nRT होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं nR γ-1, ये हो जाएगा T1 - T2। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में किया गया कार्य ये होता है। अच्छा बेटा, इसमें अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना हो तो वो क्या होता है, तो इस प्रोसेस में अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम रिलेशन निकालें तो ये होता है हमारा प्रेशर वॉल्यूम पावर γ = constant, ठीक है। यहाँ पे गामा जो होता है वो विशिष्ट ऊष्मा का रेशी होता है, CP/CV। तो कहीं ऐसा लिख करके आए तो आप तुरंत जान जाइए एडियाबेटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर वॉल्यूम होता है TV γ-1 = constant, ये होता है। और टी और पी में होता है T γ/P1 - γ = constant। अगर ये रिलेशन आता है तो ये आपके एडियाबेटिक रुद्धोष प्रक्रम को दिखाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं P1V1 - P2V2 - γ। तो P1/P2 = हो जाएगा V1 P1/P2 = V2/V1 - γ। तो एडियाबेटिक में प्रेशर वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है, जबकि आइसोथर्मल में अगर हम निकालते हैं तो
पी वन अपॉन पी टू इज्कवल टू वी टू अपॉन वी वन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम ग्राफ खींचें तो बेटा इनका जो ग्राफ आता है प्रेशर और वॉल्यूम में, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ जो आता है ऐसे, तो ये ग्राफ जो होता है वो आइसोथर्मल का होता है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ होता है, और ये जो ग्राफ होता है एडियाबेटिक का होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का होता है। इसका मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम का जो स्लोप होता है, एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल के स्लोप के, ठीक है बेटा। तो इनका ग्राफ ये आता है। कभी आपसे ग्राफ पूछा जाता है ऐसे बनाकर कि किसका ग्राफ है, तो जो ज्यादा स्लोप होता है वो आपका एडियाबेटिक है और जो कम स्लोप है वो आपका आइसोथर्मल है। तो मुझे लगता है आपका यहाँ पे एक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। अब आप इस पे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद मैं इस पे डिस्कस करूंगा, और जो चीज ना समझ में फिर से कमेंट में आप दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जो चीज आप नहीं कर पाएंगे। और बेटा खूब एनर्जी के साथ तैयारी करिए एग्जाम के लिए, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। 18 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है तब तक मैं आपको सारा चीज अच्छे से कवर करा दूंगा, ठीक है।